सन 1902 तक गांधी जी की कोई विशेष पहचान नहीं बनी थी। अफ्रीका में वे भाई थे, रंगभेद के अपमान को सह चुके थे और ईसाई उनको प्रभावित कर ईसाई बनाना चाहते थे। वहीं भारत में गोखले ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था। इसी बीच वे बंगाल पहुंचे, जहां सुधारवाद और धार्मिक चेतना गहरी थी। 33 साल के गांधी जी फुर्सत में थे, जिज्ञासु थे, हिंदू धर्म के महापुरुषों से संपर्क कर रहे थे। इसी बीच स्वामी विवेकानंद से मिलने के लिए बेलूर मठ पहुंचे, पर वे वहां नहीं मिले। वे कलकत्ता वाले घर में थे, बीमार थे, इसलिए भेंट नहीं हो सकी। बाद में गांधी जी ने 30 जनवरी 1921 को स्वामी जी को श्रद्धांजलि दी थी और उनके योगदान पर बोले थे, अगर भेंट हो जाती तो क्या बात होती। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म पर बात होती, शायद देश की आज़ादी पर भी बात होती। वैसे स्वामी जी के इसमें योगदान पर शोध की जरूरत है। स्वामी जी ने अपनी फ्रांसीसी शिष्या जोसेफानी मोकिलियान से कहा था कि मैंने स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, किंतु देश अभी तैयार नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। गांधी जी ने स्वामी जी की शिष्या भगिनी नवेदिता से भेंट की, पर उनके तड़क भड़क को देखकर आदर्शवादी गांधी चकरा गए। बाद की भेंट में भगिनी ने हिंदू धर्म से प्रेम से प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानंद का जन्म गांधी जी के जन्म से 6 साल पहले 12 जनवरी 1863 को हुआ था। तब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के 6 साल हो चुके थे। स्वामी जी की हिंदू धर्म दर्शन पर गहरी पकड़ थी। 1893 में शिकागो में दिए धर्म भाषण को गांधी जी ने पढ़ा जरूर होगा और वे उनकी इस बात से सहमत भी हुए होंगे कि मुझे ऐसे धर्मावली होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। गांधी जी के हिंदू धर्म के विचार पढ़ते हैं तो यही ध्वनि निकलती है। अगर दोनों एक दूसरे से मिल जाते तो दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते, पर स्वामी जी 4 जुलाई 1902 को हमें छोड़कर चले गए।